सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 15 यानी कि टाटा आईपीएल 2022 को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम ने काफी बड़ा फैसला लिया है, जहां आरसीबी की टीम ने ऑफिशियल तौर पर अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया है आईपीएल 2022 के लिए। जहां इससे पहले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली थे, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद अब फाफ डुप्लेसिस आरसीबी के नए कप्तान बन चुके हैं। जी हां, टाटा आईपीएल 2022 में आरसीबी की तरफ से फाफ डुप्लेसिस कप्तानी करने वाले। ये ऑफिशियल तौर पर कंफर्म और फाइनल हो चुका है। गौरतलब है कि आज आरसीबी का अनबॉक्स डे था 13 मार्च को, जिसमें आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ने काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसमें कप्तान को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट करना था और कप्तान को लेकर कंफर्म हो चुका है कि फाफ डुप्लेसिस आरसीबी के नए कप्तान होने वाले। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास 3 विकल्प था कप्तान को लेकर, जहां विराट कोहली पहले ही मना कर चुके थे कि वो अब कप्तानी नहीं करेंगे आरसीबी की या फिर किसी भी टीम की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भले वो कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन आरसीबी के वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रहने वाले हैं। जिसके चलते आरसीबी के पास मात्र 3 विकल्प था। पहला विकल्प था फाफ डुप्लेसिस के तौर पर, दूसरा विकल्प दिनेश कार्तिक के तौर पर था और तीसरा विकल्प था ग्लेन मैक्सवेल के तौर पर। लेकिन यहां पर टीम मैनेजमेंट ने यही फैसला लिया है फाफ डुप्लेसिस को आरसीबी का नया कप्तान बनाने के लिए। जहां फाफ डुप्लेसिस के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल में कप्तानी को लेकर, लेकिन इससे पहले वो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से कप्तानी कर चुके हैं। इनके पास काफी ज्यादा अच्छा खासा अनुभव है और फिलहाल ये साउथ अफ्रीका टीम में भी नहीं खेलते हैं, लगातार ये बड़े बड़े लीगों में खेलते हैं और आईपीएल का लगभग हर साल ये हिस्सा रहते हैं। तो आरसीबी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए काफी बढ़िया खिलाड़ी मिल चुका है बतौर कप्तान, चाहे बात करें एक्सपीरियंस की या फिर बात करें इनकी बल्लेबाजी की। जिस तरह से ये शानदार विस्फोटक ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन माने जाते हैं। इससे पहले लास्ट ईयर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, उससे पहले भी हर सीजन बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्होंने। तो फाइनली जिसका इंतजार सभी फैंस काफी बेसब्री से कर रहे थे, वो खड़ी आ चुकी है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने ऑफिशियल तौर पर फाफ डुप्लेसिस को आरसीबी का नया कप्तान बना दिया है आईपीएल 2022 में कप्तानी करने वाले। इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके अनुसार आरसीबी का यह फैसला कितना सही या फिर कितना गलत है, आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे।